ऐसा नजारा कभी किसी ने देखा इससे पहले? कम टू पंचलिंगेश्वर। बस मैं पहुंच चुका हूँ बाईपास। मुझे 5:30 बजे तक पहुंचना था धूलागढ़, और अभी घड़ी में बज रहा है 6:45। अभी मैं हूँ बाईपास में, मैं सिर्फ पहुंचा हूँ अभी। आज तो मुझे बहुत गाली पड़ने वाला है, बहुत गाली पड़ने वाला है। सब निकल चुके हैं और लगभग पहुंचने वाले होंगे धूलागढ़ तक। रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक इधर एजीसी बस फ्लाईओवर और ऊपर ये माँ फ्लाईओवर, ये दोनों ही बंद रहता है बाइकर्स के लिए। तो यहाँ पे नीचे से जाना पड़ रहा है मुझे। आज का पहला टोल विद्यासागर टोल सेतु। वैसे इस बार मैं ज्यादा आप लोगों को रास्ता नहीं दिखाऊंगा, जो जगह नजारा जो सब रहेगा, जो सब बोलने लायक जानने लायक बातें रहेगा, वही मैं सिर्फ बताऊंगा आप लोगों को। और सच कहूँ तो मैं ज्यादा मेमोरी कार्ड भी नहीं लाया हूँ, तो इसलिए रास्ता कभी मैं दिखाऊंगा इस बार। मेरा सांतरागाछी स्टेशन और पीछे मेरे अनिर्बान, उससे मैं मिल चुका हूँ। तो पेश है आज का दूसरा टोल धूलागढ़ टोल। चलो कोई नहीं आया, हम लोग ही पहले आए हैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ धूलागढ़ टोल में। तब तक रिक्स पहुंचा था और बाकी सारे के सारे टीम मेंबर्स अभी पहुंच चुके हैं। ये रहा लाइनअप। बाकी था ये संजीव बोटोपयाल, अभी अभी आ चुका है लाइनअप। इसके बाद जाएगा अनिर्बान, फिर मैं, फिर कुठाड़ीदा और फिर सुचरण। सामने ये मेरे कोलाघाट, और ये रहा रूपनारायण नदी, और इधर है रूपनारायण ब्रिज। बंगाली में लिखा है होटल। सो यहाँ पे हम लोग रुके थे ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट हो गया 2 अंडे, बटर टोस्ट, और उसके साथ रोटी और तड़का। ये आज का तीसरा टोल डेबड़ा, डेबड़ा टोल। आप लोग तो जानते ही, मैं हर बार भूल जाता हूँ, पर इस बार मैं कंफर्म हूँ कि आज का चौथा टोल है ये। बालेश्वर 76, भुवनेश्वर 275, और पुरी भी यहाँ से शायद 350 किलोमीटर होगा, तो ज़्यादा दूर नहीं है ये सब। 350 से कम ही होगा मेरे ख्याल से। अगर मन मनाते हम लोग तो, अगर कल रात को निकलते तो आज सवेरे तक हम लोग पुरी भी जा सकते थे। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है जलेश्वर, और 7 किलोमीटर दूर है बागदा, जो कैंप है, जिस कैंप पे हम लोग जाके ठहरने वाले हैं। तो ये रहा आज का 5वां टोल। सो यहाँ से ये हल्दी पौधा, यहाँ से ये बाया लेना होता है बागदा जाने के लिए, और सीधा चला जाता है बालासोर करते हुए चेन्नई। अभी यहाँ पे हल्का सा ऑफ रोड चल रहा है, क्योंकि मैं जहाँ पे जाता हूँ थोड़ा बहुत ऑफ रोड ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। सफर में अगर ऐसा रास्ता ना मिले तो वो सफर ही अधूरा रह जाता है। दो तरफ है खेतीबाड़ी की जमीन और बीच में से ये रास्ता। चलो बेस्ट ऑफ रोड आर टूर आर एडवेंचर। चलो सामने देखिए आरन भाई खड़े खड़े गिर गया। तो मैंने क्या किया था, वहां से मैंने गलत रास्ता ले लिया। तो पिछली बार जब मैं आया था वो सीधे एक रास्ते से आया था, इस बार मैंने
मुझे क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, मैंने वो रास्ता ना लेके दूसरा रास्ता लिया और पूरा बाली में फंसते अभी नीचे आया हूँ। कैंप साइट मिल चुका है आगे, अभी हम लोग सब बढ़ रहे कैंप साइट की ओर। अभी हाल कुछ ऐसा है, अभी चला के भी गाड़ी नहीं उड़ रहा है, ऐसे धक्का मार के गाड़ी को उठाना पड़ रहा है। तो मैं पहुंच गया था, पर यहाँ पे पहुंचने के बाद इतना टायर्ड में हो गया कि जो गलत रास्ता मैंने ले लिया उसके बाद से बस यहाँ पे पहुंचने के बाद नहाया खाया, उसके बाद मतलब बस 2 मिनट के लिए मेरा ट्रेन पे गया था, बस सो गया। उसके बाद अभी 7:30 बज रहा है, अभी मैं नींद से जगा हूँ। अभी यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि बॉनफायर हो रहा है और साथ में चिकन बारबेक्यू यहाँ पे बन रहा है, अभी चिकन बारबेक्यू खाना है। और रात का कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वृत्तांत वंस अगेन। दोपहर में जब इधर आया कल, मतलब इतना टायर्ड हो चुका था, इतना थक चुका था, पूरा बाली से बाइक उठाते उठाते मतलब क्या बताओ आप लोगों को। काश मैं इस वाले रास्ते से आता जहाँ से पूरा रास्ता ही कॉन्क्रीट का अच्छा है, पर मुझे क्या हुआ मालूम नहीं, मैं वो रास्ता नहीं लेके दूसरा रास्ता लिया और पूरा मैं तो खुद फंसा, सबको फंसा दिया, फंसाते फंसाते सबको लेके आया इधर। वैसे ये रहा इजी फिजो बैकपैकर्स कैंप बागदा, काफ़ी बड़ा एरिया है। अच्छा इधर पे आप देखिए, यहाँ पे तीनों कॉटेजेस है, यहाँ पे गार्डन किया हुआ है, इधर बॉनफायर होता है, उस तरफ टेंट्स है और इस तरफ ये एक ट्री हाउस है। কালকে শুয়েছে আজকে উঠেছে, আমরা সবাই কালকে শুয়েছিলাম আজকে উঠেছিলাম। ব্রেকফাস্ট ডান, আবি হাম সব জায়েঙ্গে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর টেম্পল ঘুমনে। ইয়াহ পে ব্রেকফাস্ট কাফি বড়িয়া থা আর হাম লোগো নে সোচা থা কি 9 বজে তক স্টার্ট কর দেঙ্গে, পর আবি 10 বাজ চুকা হ্যায় और यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जाने में भी 1.5 से 2 घंटा तो लगने वाला है। ये आ गया मैं नेशनल हाईवे पे और अभी ये मक्खन सा रास्ता, और भगाओ गाड़ी को तेज और चलो पंचलिंगेश्वर टेम्पल। हालांकि मैं इससे पहले भी यहाँ पे 2 बार आ चुका हूँ, ये मेरा 3री बार है यहाँ पे। मैं घूमने आऊँ और पहाड़ देखना मुझे नसीब ना हो, ऐसा क्या भला हो सकता है। सामने देखिए पहाड़, ये जहन में रखना है कि ये पहाड़ है, हो सकता है कि ये छोटा है। वैसे पंचलिंगेश्वर जाने का ये जो रास्ता है, आप जब शहर से बाहर निकल के जैसे ही गांव के अंदर आते हो तो एकदम नज़ारा चेंज हो जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसे दो तरफ पेड़ रहते हैं, बीच में से रास्ता रहता है। हालांकि आज गाड़ी बहुत ज़्यादा है, लास्ट टाइम मैं जब आया था तब इतना गाड़ी नहीं था। ये है प्रवेश द्वार, वेलकम टू पंचलिंगेश्वर। गाड़ी देखिए कितना सारा गाड़ी आया हुआ है, कितना सारा लोग आया हुआ है यहाँ पे, बहुत 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 ज़्यादा भीड़ है आज। और अभी यहाँ पे जो सीढ़िया है पंचलिंगेश्वर टेम्पल चढ़ने के लिए, वहाँ पे 256 सीढ़ियों को आपको चढ़ते हुए पहुँचना होता है टेम्पल में, और बस थोड़ा सा उसके बाद चालू होगा सीढ़ियों का खेल। क्योंकि यहाँ पे सब एडवेंचरस पीपल है, तो हम लोगों ने सोचा कि सीढ़ियों से तो होकर सब कोई जाता है, हम लोग सीढ़ियों से नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा रास्ता नहीं लेंगे और ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। तो इसने और जोर दिया कि नहीं सीढ़ियों से नहीं जाएंगे, जाना है तो पहाड़ से ही जाएंगे, ट्रेक करते हुए जाएंगे, पहुंचेंगे पंचलिंगेश्वर टेम्पल और लौटते वक्त हम लोग लौटेंगे सीढ़ियों से। और अभी
सब गिरते पड़ते जा रहे हैं टेम्पल की ओर। ऐसा नहीं है कि आप जंगल वाले रूट से सीधा मंदिर के करीब जा सकते हो, सीढ़ियों से आपको चढ़ना होगा ही। आप जंगल वाले रूट से उसके बाद आपको सीढ़िया मिलेगा 256 सीढ़िया, फिर चढ़ना नहीं है, थोड़ा कम चढ़ना है, पर सीढ़िया चढ़ते हुए फिर पहुंचना है मंदिर। यहाँ पे ये एक मंदिर है और फिर ऊपर है पंचलिंगेश्वर टेम्पल जो है। पंचलिंगेश्वर टेम्पल घूमने के बाद अब बारी है वापसी की। इससे पहले भी मैं यहाँ आ चुका हूँ और भगवान के दर्शन का जो जगह है, मतलब जहाँ पे आपको शिवलिंग छू के महसूस करना होता है भगवान को, वो जगह जो है वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है। तो थोड़ा बहुत मैंने वीडियो वहाँ पे जो पुजारी थे उनको पूछ के थोड़ा बहुत वीडियो मैंने किया इधर उधर का, वो जो प्रदीप जल रहा था उन सब का। बाकी जो भगवान का जो जहाँ पे शिवलिंग है, जो जगह है जहाँ पे वो वाटरफॉल्स आके गिरता है और भगवान को जहाँ पे आपको हाथ अंदर पानी के डाल के छूना पड़ता है, वो जगह भी फोटोग्राफी कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो वो मैं दिखा नहीं पाऊँगा। इसलिए वहाँ पे मैंने कोई फ़ोटो वीडियो कर नहीं पाया, तो वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगा। यहाँ पे ख़त्म होता है 256 सीढ़ियाँ। तो पहले सोचा था कि मैं नहीं जाऊंगा रात में बीच में, फिर सोचा था कि कल सवेरे जब यहाँ से निकलूंगा उससे पहले बीच घूम के आप लोगों को दिखा दूंगा और फिर चले जाऊंगा, पर नहीं, सब बोल रहे हैं कि चलो अभी बीच में चलते हैं। तो फिलहाल सभी चल रहे हैं अभी बागदा बीच के साइड, और कुछ ऐसा है नज़ारा रात के बागदा इस कैंप का। और वैसे मैंने जो नाम बताया था इस कैंप का वो मैंने गलत बताया था, मतलब पहले जब मैं आता था वही नाम था, पर अभी चेंज हो गया है, नाम कुछ दूसरा है जो मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी मुझे मालूम नहीं है। बॉनफायर यहाँ पे हो रहा है और उसी के साथ चल रहा है तैयारी बारबेक्यू का। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। आज बागदा पे यहाँ पे मेरा है तीसरा दिन और साथ ही में आखिरी दिन। आज बागदा एपिसोड ख़त्म होगा, यहाँ से हम लोग निकलेंगे और जाएंगे घर, पर उससे पहले भी मुझे जाना है बीच पे, क्योंकि जब से मैं आया हूँ यहाँ पे आप लोगों को बागदा बीच कुछ दिखाया नहीं मैंने। तो बागदा जो वर्जिन बीच है वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। वैसे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड यहाँ पे है और साथ में कॉटेज भी है, कॉटेज का संख्या भी ये लोग बढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है कॉटेज बनाने का। तो जो लोग अभी तक बागदा नहीं आए हो तो आप लोग आओ बागदा घूम के जाओ, एक दिन दो दिन के लिए आप एकांत जगह आपको मिलेगा, ज़्यादा शोर शराबा ये सब सुनने को नहीं मिलेगा, आप शांति से यहाँ पे अपना दो दिन गुजार के बिता के जाओगे। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था गब्बर को लेके आया था जिक्सर को, तब मैं यहाँ से सीधा गया था उस तरह वहाँ पूरा एकदम अंदर तक जाके, फिर वहाँ से घूम के फिर इधर आया था, और तब कैंप इस सामने ही था, यहाँ पे उतना दूर भी नहीं था, वो समुंदर के बहुत पास था, बहुत करीब था। और ये है समुंदर बागदा सी साइड, दी वर्जिन बीच इन ओडिशा बागदा।
की टीम मेंबर्स अभी वेट कर रहे हैं कैंप में, तो अभी जाना है कैंप में, वहाँ पे जाके थोड़ा फ्रेश होना है, राइडिंग गियर्स डालना है, सीधा निकलना है फिर घर के लिए। बीच में कहीं पे हम लोग लंच करेंगे और उसके बाद सीधे पहुँचेंगे अपने घर और कम्प्लीट हो जाएगा इस साल का जो आखिरी राइड है मेरा। तब से जा रहा था, आ रहा था, भगा रहा था गाड़ी को, पर इसको क्या हुआ मालूम नहीं, सीधा समुंदर के अंदर चला गया और उसके बाद अभी फंस गया है बेचारा। कह रहे कि गाड़ी स्टार्ट हुआ और बेचारा निकल गया और ये अभी फिर से अंदर जाने के लिए तैयार। ये वो भाई साहब जिसने समुंदर में गाड़ी चलाया और उसके बाद हम लोग खाली पेट भी बैठे हुए यहाँ पे। ये पानी देखिए साइलेंसर के अंदर। ऐसा नजारा कभी किसी ने देखा इससे पहले? शादी देखा होगा। ये क्या है, ये गाड़ी है, ये जनरेटर है, ये क्या है? बहुत ही कोशिश के बाद स्टार्ट हो गया है गाड़ी और उधर खाना भी बन चुका है। सोचा था कि यहाँ से निकल जाएंगे 12:30-1 बजे तक, फिर बाहर कहीं ढाबे पे कहीं पे रोटी चिकन वगैरह खाएंगे, पर नहीं, ऐसा जो आप सोचोगे वो हमेशा नहीं होता है। गाड़ी ख़राब हुआ, मतलब गाड़ी ख़राब नहीं हुआ, वो ज़ोर ज़बरदस्त उस गाड़ी को ख़राब किया पानी में लेके ले जाके, और इधर ही फिर खाना पड़ेगा अभी, और उसके बाद फिर जब तक गाड़ी फिर पूरा ठीक होता है, सुबह जब तक गाड़ी का सब पार्ट्स लगता है, सब होता है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और जितना मुझे लगता है निकलते निकलते तो 4-5 बजने वाला है। चलिए होते हैं रवाना अपने घर के लिए। और जो मैं बताना भूल गया आप लोगों को, ये जो कैंप साइट है बागदा का, इसका नाम है सी सफारी बागदा। ये जो कैंप अभी नया खुला है इसका नाम है सी सफारी। जरा इस तरफ देखिए, क्या कलर है आसमान का, क्या रंग है आसमान का, उधर चांद, इधर जमीन, और ये ऐसे लाल एक हॉरिजॉन्टल जैसे रेखा बीच में से आसमान के चीरते हुए, तो क्या बेहतरीन नजारा है यहाँ का। ये है ओडिशा और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर और इसको पार करने के साथ ही मैं पहुंच जाऊंगा पश्चिम बंगाल में। सो वेलकम टू वेस्ट बंगाल। फाइनली रीच्ड कोलाघाट और घड़ी में बज रहा है 9:45। ये पहुंच चुका हूं मैं धूलागढ़ टोल पे और इसी के साथ समाप्त होता है बागदा ट्रिप। हैप्पी न्यू ईयर, सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन इन एडवांस। सब खुश रहो, अच्छे रहो, एकदम बहुत मजे करो। अब नए साल काफ़ी अच्छा जाए आप लोगों का, काफ़ी अच्छे से रहो आप लोग। और मैं भी, मेरा इस साल का राइड जो जर्नी है मेरा इस साल के लिए, ये आखिरी वाला राइड मैं ख़त्म करता हूँ। फिर अगले साल जहन में तो बहुत सारे जगह है, तो अगले साल फिर रहेगा वो सब जगहों में जाने का प्लान। फिलहाल इस बार के लिए मैं ख़त्म करता हूँ मेरा ब्लॉग यहाँ पे, और इसी के साथ इस साल का जर्नी भी, मतलब इस साल का आखिरी राइड भी। सो फिर मिलेंगे अगले साल नए वीडियोस, नए ब्लॉग्स और भी बेहतरीन और भी मज़ेदार एपिसोड्स के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। चलिए मिलते हैं फिर अगले साल।